गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको इस स्पोर्ट के अंदर क्या दिख रहा है? ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। आपने सभी ने खेतों में देखा होगा कि बाजरे की फसल होती है, उसमें सभी जो हेल्दी फसल होती है उसके ऊपर जो बाली के ऊपर सीड लगे होते हैं, लेकिन कुछ बीच बीच में आपको बाजरे की ऐसे एक दो प्लांट ऐसे लगेंगे जिसके ऊपर बीज लगे हुए नहीं दिखाई देते। तो आपने कभी सोचा होगा कि क्या है ये, इनमें बीज क्यों नहीं है? बाजरे की जो बाली है उसके ऊपर बीज नहीं है। तो आप अब की बार जब बाजरे की फसल उगाए तो आप अपने पापा या मम्मी से पूछना कि इनके ऊपर बीज क्यों नहीं है। आपको इस तरह के प्लांट्स मिल जाए जिनके ऊपर सीड लगे हुए नहीं होते, आप उसको ज़रूर नोटिस करना। ये क्या है? ग्रीन ईयर ऑफ डिजीज़। ये बाजरे के अंदर होने वाली डिजीज़ होती है जिसको ग्रीन ईयर ऑफ डिजीज़ कहा जाता है, बाजरे का हरित बाली रोग। इसका जो रोगाणु होता है वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। और बाजरे का जो नाम होता है वो क्या होता है? पेनिसिटम टाइफोइडियम। इसके लक्षण क्या है? बाली पर्ण समूह में रूपांतरित हो जाती है, जो बाजरे की बाली है वो पत्ती के समान रूपांतरित हो जाती है। बाजरे का जो हरित बाली रोग होता है ये सोयल बोर्न होता है, सोयल बोर्न भूमिजन्य रोग होता है। और इसका परपोषी जो है वो हमने बता दिया, इसका परपोषी तो बाजरे को कहते हैं और परजीवी इसके रोगाणु को कहते हैं। परपोषी का नाम पेनिसिटम टाइफोइडियम और रोगकारक या रोगाणु स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला होता है। यदि हम इसके जो मुख्य लक्षण है, यदि ये बीमारी हो जाए बाजरे की बाली को, तो हमें कैसी वो कैसा दिखाई देगा, बाजरा कैसा दिखाई देगा? ये सबसे पहले हरित बाली रोग, ये भूमिजन्य होती है, सोयल मृदोड़ जिसको कहते हैं, सर्वांगिक रोग होता है जो पेनिसिटम पर स्क्लेरोस्पोरा द्वारा होता है। ये रोग अविकल्पी परजीवी होता है, इसको स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला को अविकल्पी परजीवी कहते हैं। इसके जो पर्ण पे लक्षण है वो शुरू में पत्तियां पीली पड़ने लगती है तथा उनका रंग भूरा और फिर सफ़ेद हो जाता है। पत्तियां पीली हो जाती है, उसके बाद में उनका रंग भूरा हो जाता है, फिर सफ़ेद हो जाता है। पर्ण पर सफ़ेद धारियां बन जाती हैं और पर्ण की निचली सतह पर कवक धूसर सफ़ेद आशिता से इसको ढक लेता है। परिपक्व पर्ण सूख कर झड़ जाता है। बाली पर इसके जो लक्षण है वो पुष्पक्रम पर संक्रमण से ये पत्तियां समान हरी संरचना में रूपांतरित हो जाती है। पुष्पक्रम के सभी भाग जैसे तुस, शूक, पुंकेसर, जायांग आदि सभी क्या हो जाते हैं, उनमें अतिवृद्धि हो जाती है। अतिवृद्धि करके प्रचुरोद्भवन के कारण लंबी लंबी हरी पत्तियों के समान संरचना में ये बदल जाते हैं। पूरा पुष्पक्रम तथा बाली पर्णों के समूह के रूप में दिखाई देती है। दाना नहीं बनने से इसमें आर्थिक नुकसान होता है, किसान को आर्थिक नुकसान होता है। तो इसके जो रोग के लक्षण है वो क्या क्या हो गए? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उनका रंग भूरा और फिर सफ़ेद हो जाता है। पर्ण पर सफ़ेद धारियां बन जाती है व पर्ण की निचली सतह पर कवक, ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला क्या है? कवक होती है। तो ये कवक के जो स्पोर्स होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, तो वो सफ़ेद कलर के स्पोर है वो पर्ण की पूरी सतह पर फैल जाते हैं, जिसको सफ़ेद आशिता कहते हैं, धूसर सफ़ेद आशिता इसको कहा जाता है। इस बीमारी को होने के बाद में उसको धूसर सफ़ेद आशिता कहा जाता है। परिपक्व पर्ण होता है तो वो पतला हो जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है और सूख कर झड़ जाता है। और जो बाली है उसका इन्फ्लोरेसेंस है, वो उसके इन्फ्लोरेसेंस में एंड्रोशियम, गायनोशियम सभी स्ट्रक्चर जो है वो उनके अंदर प्रोलिफरेशन की क्रिया हो जाती है और वो लंबी लंबी स्ट्रक्चर होकर पत्तियों के समान संरचना में बदल जाते हैं और इसका पुष्पक्रम बाली के समान हो जाता है और दाना नहीं बनने के कारण इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। यदि इसके उपचार की बात करें तो रोगी पौधे, सबसे पहले यदि हमें हमारे खेत में
इस तरह का कोई भी पौधा मिले तो उसको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और फसल चक्र अपनानी चाहिए। यदि पहले बाजरे की फसल बोई है तो दूसरी बार दूसरी फसल उगानी चाहिए, इस तरह से फसल चक्र अपनाना चाहिए। बुआई के पहले थायरम एग्रोसन से बीजों का ट्रीटमेंट करना चाहिए, यानी जो खेतों के अंदर हम सीड उगाने जा रहे हैं उन सीड को उगाने से पहले थायरम से बीजों का उस ट्रीटमेंट कर लेना है, थायरम और एग्रोसन। मार्केट में इसी तरह से बीज लेने चाहिए जो कि थायरम और एग्रोसन से ट्रीट किए हुए हो, फिर उनको हमें खेत में उगाना चाहिए। और उगे हुए यदि कोई रोगी पौधा है तो उसको जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। अब इस थोड़ी हम इसके स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला की चर्चा के ऊपर चर्चा करें। ग्रेमिनिकोला माइकोटा, इसका डिवीजन है माइकोटा, ये पर्णहरित का इसमें अभाव होता है। माइकोटा डिवीजन के अंदर पर्णहरित नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। यू माइकोटेना सब डिवीजन, इसमें सुस्पष्ट यानी क्लियर्ड सेल वॉल उपस्थित होती है, सुस्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है। मेस्टिगो माइकोटीना, चल बीजाणु उपस्थित होते हैं। उमायसिटिस, द्विकसाबिकी चल बीजाणु। बायोफ्लैजिलेट स्पोर्स पाए जाते हैं इसके अंदर। पेरेनो स्पोरेल्स, अंशकाय फलिक होता है ये। यूकार्पिक, पेरेनो स्पोरेसी सदस्य अविकल्पी परजीवी होते हैं, इसके सभी सदस्य अविकल्पी परजीवी होते हैं। स्क्लेरोस्पोरा बीजाणुधानीधर एकल अथवा समूह में उपस्थित होती है। स्क्लेरोस्पोरा की के अंदर बीजाणुधानीधर एकल या समूह में उपस्थित होती है। बीजाणुधानीधर वो होती है जिनके अंदर बीजाणु बनते हैं। तो इस तरह से ग्रीन ईयर ऑफ डिजीज, बाजरे का हरित पाली रोग आपके प्रैक्टिकल के अंदर, स्पोर्टिंग के अंदर मोस्टली आता है। और इसके अलावा थ्योरी के अंदर भी स्क्लेरोस्पोरा से जो होने वाले डिजीज है उनके बारे में इसका वर्णन आता है। तो आपके लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाजरे का हरित पाली रोग, क्योंकि सामान्यतः ये जो है वो आपके बाजरा है वो गर्मियों के सीजन में अवेलेबल हो जाता है, और इसको देखने पर ये बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। प्रैक्टिकल्स में आप इसको देखते ही इसका संक्रमण युक्त जो इसकी बाली है पुष्पक्रम और इसकी लीफ दोनों ही इन्फेक्टेड होती है, तो ये बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, और इसको पहचान कर आप इसके लक्षणों के बारे में आसानी से लिख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो। इन दिस कोरोना टाइम यूज मास्क, यूज सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।